जिस काम में आपको खुशी मिलती है मैं उसके लिए आपको कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी खुशी है। तो आज के बाद इस घर में ये बिजनेस और ऑफिस की बातें घर पर बिल्कुल बंद। अगर यहाँ पर होगी तो सिर्फ और सिर्फ परिवार की बात। वैसे पुत्र मैं तो करता ही नहीं हूँ बिजनेस की बात, हमेशा ना ये रणबीर ही शुरू करता है। लेकिन ये लेटर बाबूजी तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं मामी जी का हाथ जरूर है। मामी जी का? शादी के बाद जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है और वो ठहराव हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा रुक के ही ये फैसला करना चाहिए। तुम्हारी नाराजगी जायज है, मेरा विश्वास करो, तुम ही मेरा प्यार हो और तुम ही मेरे जीवन साथी बनोगे। पर इसके लिए हर्ष मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बस तुम्हारे इसी विश्वास ने मुझे अब तक रोक रखा है, वरना मैंने तुम्हें कब का अपना बना लिया होता। पर हाँ, अगर घर वालों ने आपस में बात कर तय कर लिया तो मैं उन्हें नहीं रोकने वाला। तुम मान गए ना, उन्हें मैं खुद मना लूंगी। हाँ पुत्र, कोई काम था? नहीं मम्मी जी, बस मैं पूछने आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। कितना ख्याल रखती है ना मेरा तुम, बिल्कुल मेरी अक्कू की तरह। अब अक्कू की शादी हो जाएगी तो उसकी कमी नहीं खलेगी मुझे। मम्मी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे अक्कू की तरह, अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। पर किसी माँ को अपनी बेटी की याद ना है, ऐसा कैसे हो सकता? ये तो सही कह रही है पुत्र। बेटियां तो माँ की परछाई होती है, भला उसके बिना कोई कैसे रह सकता? और मेरी अक्कू तो मेरा साया है। उसने एक पल के लिए भी कभी मुझे अपने आप से अलग नहीं किया। हाँ मम्मी जी, जानती हैं मैं जब भी अपनी मम्मा को याद करके उदास हो जाती हूँ तो अक्कू पता है क्या कहती है? हमेशा कहती है कि भाभी, आपकी उदासी देखकर मुझे डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी मम्मा के बगैर ससुराल में कैसे रह पाऊंगी। हाँ पुत्र, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी अपने आप से अलग नहीं किया, पर अब करना पड़ेगा। ये सोचकर कलेजा मुंह को आ जाता है, पर सदियों से चली आई परंपरा को तो हम नहीं बदल सकते ना, कि बेटियां माँ बाप के घर पराई अमानत होती हैं। खैर छोड़, मैं भी किन बातों को लेकर बैठ गई। मेरी दूसरी बेटी आ गई ना मुझे संभालने के लिए, अब मुझे किस बात की टेंशन। मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अक्कू की कमी कभी महसूस ना होने दे। जीती रहे पुत्र। या कम रख दो यहाँ।
जल्दी से मेरे कैबिन में, और श्रीवास्तव को भी कहना जल्दी आए। भौजी, भौजी क्या हुआ, एकदम अचानक आपने इस तरह से? शीना, भौजी को पानी दो। पानी क्या हो गया, आपने इस तरह अचानक बुलाया? क्या हुआ सर? शीना, शान सर का नोटिस डैम प्रोजेक्ट के लिए? आई मीन हाउ कैन ही डू दिस? हाँ श्रीवास्तव जी, यही बात तो मैं सोच रहा हूं कि ईशान भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकता है रणबीर, ईशान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि इश्क में पागल प्रेमी और जुए में हारा हुआ जुआरी एक मदमस्त हाथी की तरह होते हैं, जिसके सोचने समझने की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो क्या कर देगा, कब कर देगा, कैसा कर देगा, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरा खून ऐसा सफेद निकलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। और तुम रणबीर, तुम, आकांक्षा और पूरा परिवार मुझे समझाते थे कि ईशान के खिलाफ मैं कुछ मत करूं, उसे माफ कर दूं। ये निकला है तुम्हारा ईशान। हम श्योर भाजी, कोई ना कोई ईशान भैया को मिसगाइड कर रहा है, वरना ईशान भैया ऐसे नहीं थे। वो जरूर किसी के हाथ का खिलौना बने हुए बाबू, वरना ईशान भैया और ये अदालत का नोटिस, ये नामुमकिन है बाबू। नामुमकिन और मुमकिन का बहस करने का तो मौका ही नहीं है रवि सर। ये जो हमारे हाथ में है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और माफ करिएगा, इस वक्त हमें भावनाओं में न बहकर इस नोटिस के बाबत प्रोफेशनल जवाब देना चाहिए। सर अगर आप कहें तो मैं अपने लीगल एडवाइजर की मीटिंग बुलाता हूं और इसके बाबत माकूल नोटिस भिजवाता हूं। श्रीवास्तव जी, माफ करिएगा सर, मेरी निष्ठा इस कंपनी के लिए और बड़े साहब के लिए, और इस रास्ते में आने वाला कोई भी रिश्ता मुझे न सुनाई देता है और न दिखाई देता है। श्रीवास्तव जी, क्या है? बैठो। इस नोटिस का हमें कोई माकूल जवाब जल्द से जल्द देना होगा।
और हाँ, जवाब देने में हमारी देरी को वो हमारी कमजोरी ना समझे, इसलिए इस नोटिस का जवाब आज या कल में ही डिस्पैच होना चाहिए। श्रीवास्तव जी, yes, आप अपने लीगल एडवाइजर की मीटिंग आज ही बुलाइए। भाजी, भाजी अगर हम एक दो दिन ठंडे दिमाग से सोच लेते तो क्या सोच लेते रणबीर? क्या सोच ये जवाब देना है या नहीं, ये स्ट्रॉन्ग देना है कि माइल्ड? नहीं रणबीर, ये सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, इस नोटिस का जवाब देना ही है और वो भी कड़े शब्दों। अब इसमें इफ और बट की कोई गुंजाइश नहीं। भौजी, भौजी मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे चिंता आपकी सेहत की। मेरी सेहत को अब कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बार बार शॉक देके मेरे दिल को बहुत मजबूत कर दिया। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हमें डैम प्रोजेक्ट की टेंशन छोड़कर किसी और प्रोजेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी ये चाहता हूं कि बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन निशान, ये मत कि डैम प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी सपना है और मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन टोनी, ये प्रोजेक्ट तो अभी बाऊजी के पास, अब ये हमारे पास आने वाला भी है या नहीं, इस बात की क्या गारंटी? ईशान, कल तक तो तुम भी अपने बाबूजी के पास थे, आज मेरे पास हो। मुझे यकीन है कि ये डैम प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा, और एक बार ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो मुझे यकीन है कि मार्केट के बाकी प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना दलदल में फंसने के बराबर है। ईशान, बड़े बड़े कामों में छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, तुम कोर्ट कचहरी की टेंशन मत लो, वो सब मैं संभालूंगा। और रही डैम प्रोजेक्ट की बात, तो किसी भी कीमत पे मैं उसे हासिल करके रहूंगा, किसी भी कीमत। यहाँ ख्याल ही नहीं आई है, आप चली जाइए यहाँ से। ऐसा ना बोल तान्या पुत्र, अपनों से भला कोई बेरुखी दिखाता है? मैं तो तेरी मामी हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप चली जाइए यहाँ से और हमें दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिए। तान्या पुत्र, तू गलत समझ रही है, तू पहले एक बार मेरी बात सुन ले है? अगर तुझे लगेगा ना कि मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं चुपचाप यहाँ से चल जाऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आप चली जाइए यहाँ से। ईशान पुत्र, मेरा ईशान पुत्र। हाँ ईशान पुत्र, तो समझाना तान्या को, मारने वाले दुश्मन की तो आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है। फिर मैं तो तेरी मामी हूं ना, मैंने तो तुझे गोदी में खिलाया,
मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत कीजिए आप। चली जाइए यहाँ से। तुषार पुत्र। तान्या रहने दो। अब मामी जी आई है तो इनकी बात सुनी लेते हैं। बैठो तुम। कहिए क्या कहना चाहती हैं? ईशान पुत्र, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। दरअसल गलती मेरी है, पर गलती है नहीं, उसे गलत दिख रहा है। घुमावदार बातों में उलझाना मामी जी आप अच्छी तरह जानती हैं। मुझे घुमाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपकी चालों को अच्छी तरह समझती हूँ और उस दिन मैंने आपको फोन किया था, आपने मेरी बात भी नहीं सुनी, फोन काट दिया। तान्या पुत्र, तू बात को समझा कर, है? वही गलतफहमी तो दूर करने आई हूँ ना मैं तेरी। दरअसल तान्या पुत्र, उस समय ना परिवार के लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, अब उनके सामने मैं तुझसे कैसे बात करती, है? इसलिए मैंने तुझसे ऐसे बात की, जैसे कि बैंक से ना किसी कारण देने वाले का फोन आया हो और मैंने फोन काट दिया। सोचा था तू मेरी मजबूरी समझ जाएगी, पर तू तो यहाँ गलतफहमी पाल के बैठी है ना पुत्र। और मामी जी, वो बाबूजी को प्रोजेक्ट के पेपर्स बॉबी के हाथों भिजवाना, उसमें आपकी कौन सी मजबूरी थी? वैसे भी ये काम बॉबी के बस का नहीं था, यकीनन उसमें आप ही कहा। एक बात बता मुझे, कार में होने वाली छोटी छोटी बात की खबर में लाती हूँ ना, है? अब ऑफिस में होने वाली बातों की खबर कौन लाएगा? बोलो बोलो, है? अब बॉबी इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि मैं पाई साहब को कह के उसे किसी अच्छे ओहदे पे रखवा दूं। अब विदेंद्र पाई साहब की नजर में लाने के लिए बॉबी से कुछ ना कुछ तो ऐसा करवाना ही था ना। जिससे उन्हें लगे कि बॉबी पढ़ा लिखा ना सही पर काम का तो है। अब मुझे उस समय जो ठीक लगा वो करके मैंने बॉबी को पाई साहब की नजरों में चढ़ा दिया। अब मेरा बॉबी भी ना रोज बाबू साहब बांध के ऑफिस जाता है। अब तुम दोनों देखना, मेरा बॉबी ऑफिस में होने वाली छोटी छोटी बातों की खबर ला के देगा तुम दोनों को रोज। वो सब तो ठीक है मामी जी, लेकिन आपको ये सब करने से पहले हमसे एक बार खुद जरूर लेना चाहिए था। आपको पता नहीं कि इस लेटर को रोकने के लिए मैंने कितने एफर्ट्स और कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ये गलती तो हो गई मुझसे, पर मेरी नियत में कोई खोट नहीं है पुत्र, सौरभ भी है। मैंने बिल्कुल नहीं पता था पुत्र, अगर मुझे जरा भी पता होता ना कि इससे तुम लोगों को कोई नुकसान होने वाला है तो मैं ये बिल्कुल नहीं करती। ईशान पुत्र, तू तो अपनी मामी का स्वभाव जानता ही है ना। ठीक है मामी जी, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान नहीं,
आगे से कुछ भी आप करेंगी तो मुझसे कंसल्ट करेंगी। मुझसे कंसल्ट किए बगैर आप कुछ भी नहीं करेंगी। बिल्कुल ठीक है पुत्र जी, जैसा तुम दोनों कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अभी तुम दोनों जानते नहीं हो ये पम्मी किस बला का नाम है। ऐसा उंगली पे घुमाऊंगी ना कि चकर घिन्नी बनकर घूमते रह जाओगे। भौजी, भौजी मेरी बात तो सुनिए। भौजी, भौजी, भौजी प्लीज टेंशन मत लीजिए। आज आप इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ जी, दीवारों से नहीं। मम्मा वो बाऊजी ऑफिस के काम को लेकर ज्यादा टेंशन। बाऊजी पानी। नहीं बेटा। आज ऑफिस में ऐसा क्या हुआ जो आप इतने टेंशन में हो? पहले तो आप ऑफिस की टेंशन कभी घर पे लाते नहीं थे, फिर आज क्यों? अरे अगर टेंशन घर वाले देंगे तो टेंशन घर में ही आएगी ना। शान ने ये हरकत करके अपने आप को मेरी आत्मा से भी दूर कर दिया। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं समझाऊंगी इसे, मैं बात करूंगी उसे। मुझे पूरा यकीन वो मेरी बात नहीं टालेगा। नहीं, तुम कोई बात नहीं करोगी उससे। अरे कितना गिड़गिड़ाओगी उसके सामने। जब से वो अमेरिका से आया है उसने कोई बात मानी है हमारी?